खुली कचहरी का इनेकाद क्यों जरूरी है, क्या अहमियत है इसकी और लोगों को इंसाफ पहुंचाने में इसका क्या किरदार है, आइए जानते हैं। मेरा एक ही भाई है, 50 साल का पागल है। मेरे अबू आंखों से नबीन है, उनको नजर नहीं आता और मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी FIR कोई नहीं सुन रहा था, मैंने CCPO के ऑर्डर करवा के FIR करवाई है। कॉन्स्टेबल है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल है, कर्जे में डूब गए हैं। वो पैसे वाले ने, मैं गरीब हूँ, मेरा एक बच्चा अच्छा वो छेपरा है, उन्होंने कब्जा ग्रुप कई जगह से कब्जा किया है, तो मैनू वो देंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहां पे ख्वातीन आएंगी अपने मसाइल लेके, कोई भी मसला जो इनका हल नहीं हो सका, कोई भी पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी या नहीं वो अभी तक उनका मसला हल हो चुका, तो वो खुली कचहरी में आएंगी और अपना मसला बताएंगी और तमाम बड़े पुलिस के अफसरान जो हैं वो खुद उनका मसला सुनेंगे और उन्हें फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, साइलिन से भी जानते हैं, जो साइला बनकर आई हैं, जो इनकी क्या एप्लीकेशन है, उनके क्या मसाइल हैं, फिर खवातीन ऑफिसर्स जो पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो कि उनकी जो एप्लीकेशन है या जो कोई दरख्वास्त है उसे सुनेंगी और उन्हें फिल वक्त फौरी तौर पर हल किया जाएगा। खुली कचहरी का इनेकाद क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है उसकी और लोगों को इंसाफ पहुंचाने में इसका क्या किरदार है, तो आइए जानते हैं उन सबसे। जी, अब हमारे साथ एक साइला मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या एप्लीकेशन लेके आई हैं, क्या प्रॉब्लम है उनका और किस तरह की एप्लीकेशन है, तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? ज़ैनब अज़ीम। अच्छा ज़ैनब, क्या प्रॉब्लम थी और क्या आपकी एप्लीकेशन है जो आप लेके आई हैं? मेरी एप्लीकेशन है, मेरी ये अपील है कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था, अच्छा। 2 साल से बहाल नहीं हुए, जगह जगह पर रुल रहे हैं, हर जगह गए हैं कि शायद कोई बहाल करते, लेकिन उनका मसला था उन्होंने छुट्टियाँ की थी जिसकी वजह से वो बहाल नहीं हो सके, उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो अब यही अपील लेके इधर आए हैं कि शायद इनको दोबारा से बहाल किया। पुलिस में जॉब करते हैं? जी, कांस्टेबल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल है, कर्जे में डूब गए हैं, तो इस अपील के तहत ये अपील है आपकी। क्या समझती हैं कि कितनी ज़रूरी है खुली कचहरी, जिन ऑफिसर्स के आप नहीं मिल सकती वो इसलिए आपकी बात सुन लेते हैं, तो ये होनी चाहिए? होनी चाहिए, जो हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए चीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपनी खुल की बात कह सकें। तमाम मोजीन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर पुलिस तक आएँ, अगर किसी का मसला हल नहीं हो रहा उसके साथ आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी किसी झूठे आदमी के साथ, किसी गलत आदमी के साथ नहीं आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? रज़िया बेगम। क्या आपकी अपील है, क्या दरख्वास्त लेके आई हैं? मेरी दरख्वास्त है, मेरी जगह ये 12.5 मरले अच्छा मकान में जी बने, मेरे को किराए ते लिया कमरा एक, अच्छा ते उन्होंने कब्जा कर लिया, 12 साल हो गए ने, मैं थाने में कोई नहीं छड़े, जिथे जानी हाँ वो पैसे वाले ने, मैं गरीब हूँ, मेरा एक बच्चा अच्छा वो छेपरा है, उन्होंने कब्जा ग्रुप कई जगह से कब्जा किया है, तो मैनू वो देंगे नहीं। ठीक है, मैं इस वास्ते आई हाँ भी मेरी सुनी जाए, मैनू मेरी जगह मिल जाए। अच्छा, आपको उम्मीद है कि आज आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी? हाँ जी, बड़ी अल्लाह की आस लेके आए हैं, अल्लाह ताला आस पूरी कर दे। चलिए, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज जो है इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हल हो जाएगा, और हम बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं जो कि अपनी अपील लेके आए हैं उनसे बात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया मोहसिन है, मैं गाँव से अजपाल से आई हूँ। अच्छा, ये 13 तारीख का वकूआ है, हमसायों ने तार लगाई हुई थी डायरेक्ट, वापटा अच्छा। वालों ने उनकी पकड़ ली। अच्छा, उन्होंने जब वापटा वाले चले गए वो हमारे घर आए, हम माँ बेटी अकेली घर में थी, उन्होंने हमें डंडों के साथ बड़ा मारा जिसकी वजह से मेरी अम्मी की डेथ हो गई। अच्छा, आप हौसला करें प्लीज। मुझे भी बड़ा अच्छा। मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी अम्मी के कपड़े फाड़ दिए, मेरा एक ही भाई है, 50 साल का पागल है। मेरे अबू आंखों से नबीन है, उनको नजर नहीं आता और मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी FIR कोई नहीं सुन रहा था, मैंने CCPO के ऑर्डर करवा के FIR करवाई है, अब उनको कोई पकड़ नहीं रहा, वो सरेआम घूम रहे हैं गलियों में। अच्छा चलिए, हौसला करें, आपकी बात सुनी जाएगी और कोई ना कोई जो है उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, आप परेशान ना हो जी। कार लगे फिर देने मार के।
सीसीओ पी साहब से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि वो इनका जो मसला है, जो सारे साइलिन आए हैं उनका मसला हल करवाएंगे, और बाकियों से जानते हैं कि उनको भी क्या मसला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया। क्या एप्लीकेशन लेके आई हैं, क्या अपील है आपकी? अपील मेरी ये है कि मैंने ना बहुत मेहनत से, खुद छोटे से घर में रहती हूँ सबराबाद में, गैन ब्लॉक में, मैंने अपना घर सारा कुछ मेहनत है बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए घर बनाया, घर बना के मैंने रेंट पे दिया। रेंट पे जब दिया तो एक बंदा जो लेने आया, मलक अल्फान नाम है उसका, वो जब घर लेने आया तो कहना मैं एक प्राइवेट फर्म में ना की लड़की जॉब करता हूँ, तो हमने दे दिया घर पे। 8-9 महीने बाद पता चला कि वो एक वकील है, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो गया कानून के हिसाब से, उसके बाद हमने कहा खाली करो, हमने खुद आना है। उसने 8 माह से हमें अप्रैल से लेके अब तक कोई किराया नहीं दिया। घर लेने में जाती थी, किराया तो हरासा करता था, गाली गलोच करता था, बाद में बहुत हमें तंग करता, फिर खाली करने को आता ही नहीं है। हमने नेबर्स के एन ब्लॉक में तकरीबन वकील है, वो लोग डले 8-9 वकील डले, वो उनके हाथ ही नहीं आता, उन्हें कहता घर में होता, कहता मैं घर पर हूँ नहीं। मेरे बच्चों की फीसें जाती थी यूनिवर्सिटियों की, आपको पता है कितनी महंगी यूनिवर्सिटी, बच्चों की तालीम हमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी कि बच्चों को पढ़ा सकें, किसी काबिल कर सकें, लेकिन उस बंदे ने हमें 8 महीने से, ये मैं ही नहीं हूँ, एक एम ब्लॉक में भी इसने लिया, वो बैठी है ना वाली ब्लैक, एक ही बंदा उन्होंने भी और मुझे भी, हमें भी टॉर्चर करता है, कोई किराया घर खाली नहीं करता। मैं बहुत उम्मीद से सैटरडे को भी मैं उधर गई थी उनके ऑफिस एप्लीकेशन दे के, मैं अब आई बहुत उम्मीद से कि सर इन ज़िंदगी लंबी दे और हमारे मसले हल करें। वो वकील हो गए तो अपने घर का, लेकिन हमने तो अपनी ज़रूरत के लिए दिया था, हमें अब जरूरत, हमने खुद शिफ्ट होना है। मैं छोटे से घर में समनाबाद में रहती हूँ, अगर ये मेरा मसला हल कर दें मैं ढेरों सौ दुआएं दूंगी। नहीं, इंशाल्लाह आपका मसला हल करने के लिए आपको इधर बुलाया गया, और सीसीपीओ साहब खुद और DIG और इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन खुद आपकी बात सुनेंगे। क्या प्रॉब्लम है? 5 बच्ची है, मुझे 5 साल हो गए डिवोर्स हुई हूँ, मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा के थक गई हूँ, खर्चा नहीं मिल रहा। 2 मरले का घर है कच्ची बादी में रसूलपुरा में, मेरे अब्बू ने लेके दिया, सब बहनों को लेके दिया हुआ है। अब इसका भाई और बाप, उन्होंने मार के मुझे मार पीट के उस घर से भी निकाल दिया था, हेले मोहल्ला ने मुझे कब्ज़ा दिलवाया और पुलिस वालों ने। अब मैंने एप्लीकेशन दो दी है, मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उनकी एप्लीकेशन पे हमें बार बार थाने बुलाया जा रहा है। यह मेरी बेटी है, मैं खुद टाइफाइड की मरीज हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कमा के इनको खिलाऊं। जो 2 मरले का घर अब्बू लेके दिया उस घर से भी निकालना चाहते हैं। ये बच्ची अब नॉर्मल है, जो बेटा है सक्का बेटा है वो भी बाप के साथ मिला हुआ है, और एक भाई मेरा दो उसका दोस्त है, मेरा भाई बना हुआ है, उसकी शादी थी, उसने मुझे कहा मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपना घर गिरवी रख के उसको 5 लाख रुपया पकड़ के दिया है, जिसके उसने मुझे सेल्फी चेक दिए हुए हैं। अच्छा। अब वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, वो भी उनके साथ मिला हुआ है। जी नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सी खवातीन हमने देखी मौजूद थीं, और उनकी अपील भी सुनी, और वो मसले लेकर आई हैं, और उन्हें यकीन है कि आज जो है वो उनका मसला खुली कचहरी में जो है वो हल हो जाएगा। अब हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि कितनी अहमियत है खुली कचहरी की और कितना ज़रूरी है लोगों को इंसाफ पहुँचाने के लिए। वाले अफसरान मिलते नहीं हैं, उन तक पहुँच नहीं होती, उन तक एक्सेस नहीं होती, तो हम बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम उन लोगों को बता सकें कि हमारे लिए आप सब काबिल एहतराम हैं। हमारे साथ अब सब इंस्पेक्टर आसिया मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लोग किस तरह की दरख्वास्त लेके आते हैं और कितनी अहमियत है खुली कचहरी की। अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम सलाम। अच्छा आसिया, जो एप्लीकेंट्स आती हैं, जो लेडीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाहरी बात है परेशान होंगी तो इधर आएँगी, कितनी अहमियत है खुली कचहरी की कि वो उतनी जो है दरख्वास्त अपने अल्फाज जो हैं ऑफिसर्स तक पहुँचा देती हैं? इसकी बहुत अहमियत है, इसीलिए तो ये रखी जाती है कि आम आवाम की जो पुलिस ऑफिसर्स हमारे नहीं उनकी बातें सुनते तो वो यहाँ पर कि हमारे CCPO साहब या जो भी खुली कचहरी लगी जाती है वो उनकी बातें सुनते हैं और उनका हल ज़रूर निकाला जाता है यहाँ पे। ये नहीं कि यहाँ पे खुली कचहरी इसलिए लगाई गई है कि सिर्फ उनकी बात सुन के यहाँ पे ही करती, इसका फौरन एक्ट किया जाता है और इस पर फौरन रिएक्ट करके इस पर काम किया जाता है। जो भी इनका इशू हो, कोई मसला हो, 100 किस्म उसके आते हैं, कब्जे के हो जाते हैं, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो खुली कचहरी में इंसाफ उनको लाजमी मिलता है, और इसकी बहुत अहमियत है, लोगों को आना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए। अच्छा, लोगों तक किस तरह मैसेज पहुँचाया जाता है कि आज खुली कचहरी है तो आप? ये मीडिया के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब आपने देखा होगा भाई, जब आए हैं वहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं कि 2 बजे इनको किया गया मैसेज, कन्वे किया गया कि CCPO की तरफ से ये खुली कचहरी लगाई गई, जिसको भी कोई इशू है वो आए। उसके अलावा जब भी CCPO ऑफिस में एप्लीकेशंस लेके जाते हैं उनको बताया जाता है कि खुली कचहरी इस दिन लगनी है, वहाँ पर आएँ और आपका सब भी जो भी इशूज़ होंगे वो रिजोल्व किए जाएंगे। अब हमारे साथ सब इंस्पेक्टर महविश मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने अरसे बाद महविश खुली कचहरी का इनका किया जाता है? खुली कचहरी का इनका जो होता है वक्ता फ़वक्ता किया जाता है, जैसे ही मुख्तलिफ़
जो हमारे इलाके में है मुख्तलिफ इलाकों में हमारे CCPO साहब जो है खुली कचहरी का इनका करते हैं और आवाम को जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो फिल फॉर उनका सोल्यूशन निकलवाते हैं और CCPO ये बहुत अच्छा इकदाम कर रही हैं। अच्छा, खवातीन का जो खास तौर पे साइल आती हैं, एप्लीकेशन लेके आती हैं, कोई भी अपील, कोई भी दरख्वास्त लेके आती हैं, तो आप उन्हें किस तरह एंटरटेन करती हैं? एक तो खवातीन जो लेकर आती हैं वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम होती हैं। सबसे पहले तो हमें जो उनकी इमोशनल हमें उनकी सपोर्ट की उनको इमोशनल सपोर्ट हम देते हैं ताकि वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कन्वे कर सकें। और जो खवातीन साहिल आती हैं वो बेचारी एक तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं, उनका काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, उनको काउंसलिंग भी की जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है और फिर उनकी बात को अच्छे तरीके से आगे CCPO साहब तक उनकी जो एप्लीकेशन होती है उन्हें पहुँचा दिया जाता है। तो कोई आउटरेज नहीं देखती फीमेल एप्लीकेशन में कि गुस्सा है या आप पे बहुत ज़्यादा? जहरी बात है, जो जिनके सॉल्व नहीं हो रहे मसले वो आप पे आके गुस्सा भी करते हैं और बहुत ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज भी कभी कभार यूज़ कर लेती होंगी, तो एंगर मैनेजमेंट को कैसे सॉल्व किया जाए? बियर करना पड़ता है सब कुछ हमें। अच्छा। क्योंकि उनकी मेंटली कंडीशन को हमें समझना पड़ता है, वो उस टाइम समझ लेती हैं जो आती हैं वो किस तरह समझना पड़ता है, क्योंकि दी जाती है हमें ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि हमें भर्ती इसलिए किया गया कि हम किन किन के मसाइल्स को हल करें, देखें, इसलिए तो नहीं किया गया कि इनके मसाइल्स को हम ना सुने, इसलिए हम उनकी हर बात बर्दाश्त करते हैं, हम इनके लिए भर्ती किए गए कि इनके मसाइल्स को हल करें। अच्छा, मैं भी शेक होता है सिंपथी और एक एम्पथी होता है, सिंपथी भी बहुत ज़रूरी है लेकिन एम्पथी भी होना बहुत ज़रूरी है, किस तरह डील करती हो कि जो आती हैं अपनी? हमें एम्पथी करना पड़ती है बिकॉज जब तक हम उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ के करेंगे तो हम उनको बिल्कुल समझ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड ही नहीं हम कर पाएंगे उनकी प्रॉब्लम कैसे, तो हमें खुद फील करना पड़ता है ये जैसे हमारी प्रॉब्लम ये है जो वो सुना रही है कि हमारी प्रॉब्लम है, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम उसका वैसे ही डील करते हैं उसको जैसे ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है और फिर उसको। पंजाब पुलिस में वुमन एम्पावरमेंट का बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि वुमन एम्पावर हो, ये सबसे बड़ी मिसाल है कि आप लोगों के पास एप्लीकेंट आते हैं और आप उनकी बात सुनते हैं, दैट्स द एम्पावरिंग ऑफ वुमेन। तो आप क्या समझती हैं कि पंजाब पुलिस में औरत की भर्ती जो कि इस बात पे हुई थी कि एक जो आपके पास साइल एक औरत आए वो इजीली कन्वे कर सके अपना मसला, तो ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम फीमेल्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा, पहले पंजाब पुलिस में फीमेल्स इतनी तादाद में नहीं आती थी लेकिन अब जो भर्तियाँ हो रही हैं पंजाब पुलिस में फीमेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही हैं। अच्छा। और इनका बाकायदा एक कोटा भी रखा जा रहा है और फीमेल्स को रखा ही इसलिए जा रहा है ताकि वो फीमेल्स की बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज पाकिस्तान की आबादी में फीमेल्स जो हैं वो मेल से ज़्यादा हैं। हाँ जी, और उनके इश्यूज हैं वो डिस्कस नहीं कर पाती मेल अफसरान के साथ। किस तरह के वो मसले लेके आती हैं ज़्यादातर? जो होता है वायलेंस वगैरह होता है उनकी, घरेलू वो से मामला होते हैं और इस तरह के ज़्यादा मोस्टली आजकल ज़्यादा इश्यूज मार कुटाई के हस्बैंड ने मार दिया, तशद्दुद किया है, ये असल है। हमारे माशरे में एज अ पुलिस ऑफिसर आप बताएं कि ये रवैया क्यों बढ़ता जा रहा है कि मर्द में एक वायलेंट जो करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हो गया? लेडीज़ जो है ना इसको चुप रखती हैं, बताती नहीं है, थाने में इसलिए नहीं आती थी पहले कि जेंट्स हैं तो इसलिए हम कैसे जाके उनको बताएं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नहीं पॉइंट हो रहे हैं, हम लोगों को इसलिए पॉइंट किया जा रहा है कि कोई लेडीज़ अगर वो इजीली आके हमें कन्वे करे, अपना मैसेज दे सके, कुछ ऐसी बातें नहीं बताई जा सकती जो मेल्स हजरात होते हैं थानों में, तो इसलिए भी हमें थानों में तैनात इसलिए किया गया कि वो अपने हर तरह के इशूज़ मामला हमारे साथ आके डिस्कस करें ताकि उनके हम हल करें। ठीक है आसिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद बिल्कुल इसलिए किया गया है कि जो मसाइल जो है, जो मसले आपको थाने वालों को या मेल हजरात को नहीं बता सकते वो इजीली आप फीमेल्स को बताएं, और जो हमारे बड़े अफसरान हैं जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑप्स और CCPO ने ख़ास तौर पर ये खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है कि किसी का दरीना मसला है वो हल नहीं हो रहा तो वो ईज़िली हल हो सके।